वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, जैसा हम जानते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहा है आजकल कि उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है, उत्तराखंड में जो फ्लैश फ्लड हुआ है, जो ग्लेशियर बस्ट हुआ है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे। पहले तो एक दुख भरी खबर है, तो इसके लिए संवेदना जताना चाहते हैं अपनी। उसके बाद आगे चलते हैं कि टॉपिक पे हुआ क्या है। देखिए, तो जैसे ही हमारे दिमाग में उत्तराखंड का नाम आता है, उत्तराखंड का स्टेट का राज्य का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज बनती है, एक ही छवि बनती है कि भाई बहुत ही सुंदर, ठीक है, मंदिरों वाला राज्य है, ठीक है, पहाड़ी राज्य है, सुंदरता है वहाँ पे, ठंडी है, ठीक है, इस टाइप की छवि एक हमारे दिमाग में आती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई सुंदरता है वहाँ पे, पहाड़ हैं, वन हैं, जंगल हैं, अच्छे अच्छे ठीक है, पशु हैं, पक्षी हैं, ठीक है, तो सुंदर होने के साथ साथ खतरनाक भी है। खतरनाक इन द सेंस कि भाई वहाँ पे पहाड़ हैं, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहाँ पे ये आप घर नहीं बना सकते हैं, बहुत सारी जहाँ पे हिली एरियाज हैं। हालांकि थोड़े बहुत जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे घर वगैरह आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है भाई, देश की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। हाइडल प्रोजेक्ट बेसिकली बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि डैम बनाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है, बिजली जनरेट की जाती है टर्बाइन वगैरह लगा के। ठीक है, तो अब चलते हैं हाल ही के फिलहाल के जो अभी हुआ है, जो वहाँ पे घटना घटित हुई है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम करना चाहेंगे यहाँ पे। तो देखिए हुआ क्या, एक्चुअली अभी अभी यानी कौन सी डेट है, लगभग 7 फरवरी की डेट रही थी। 7 फरवरी को क्या हुआ, जैसे कि आप जानते हैं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी। तो वहाँ पे एरिया कौन सा है, तो ये जान लीजिए, नंदा देवी एरिया है। उत्तराखंड में कौन सा रीजन है, नंदा देवी ग्लेशियर, ये जो बस्ट हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका नाम आपको याद होना चाहिए, नंदा देवी ग्लेशियर, ठीक है। कहाँ पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के कौन से में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पे है, लगभग कितनी हाइट पे, तो लगभग 5600 मीटर की ऊंचाई पे है ये, वहां पे ये घटना घटित हुई है, ठीक है। जैसे आपको चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है, एक टनल है, टनल के अंदर लोग कुछ मलबा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे मलबा दिखाई दे रहा है आपको, और आगे प्रोसीड करने की शायद कोशिश की जा रही है कि भाई यहाँ कुछ लोग हों तो उनको बचाया जा सके, ठीक है। हालांकि ITBP की टीम, NDRF की टीम वहां पे पहले से ये सारे काम बचाव कार्य कर रही है, और फिलहाल अभी भी ये कार्यक्रम जारी है। चलिए, अब हम जानते हैं कुछ की पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं, तो देखो भाई, ऐसा पहली बार तो देयर आर टू प्रोजेक्ट, वहां पे दो प्रोजेक्ट्स रन कर रहे थे, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, एक ऑलरेडी रन कर रहा था वहां पे, ठीक है। तो देखिए दो प्रोजेक्ट थे, एक है NTPC, ठीक है, ये क्या है, NTPC का हाइडल, NTPC एक कंपनी है, ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट टनल, एक हाइडल प्रोजेक्ट बना रही थी, यानी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हाइडल प्रोजेक्ट मतलब कि बिजली बनाने के लिए जो हम प्रोजेक्ट लगाते हैं, वो एक काम यहाँ पे चल रहा था। तो प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके अंतर्गत एक टनल बनाया जा रहा था, जिसकी टनल की लंबाई थी लगभग 2.5 किलोमीटर का, ठीक है, और यहाँ पे एक 520 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लगाया जाना था, पावर प्लांट यहाँ पे लगाया जाना था, पावर प्लांट इन द सेंस एक डैम बना के वहाँ पे टर्बाइन वगैरह एस्टेब्लिश की जानी थी, ठीक है। कितने का, 520 मेगावाट का, कौन से एरिया में, तो वो एरिया था आपका तपोवन, ठीक है, यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है भाई, धौली गंगा रिवर, कौन से रिवर के किनारे पड़ता है, कौन सी रिवर के रास्ते में आ रहा था, धौली गंगा रिवर। तो भाई ये डैम वगैरह बनाए जाते हैं, गंगा नदी, ये कोई सी भी नदी हो तो उस पर बांध बांध के ही ये बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वहां पे किया जाता है, ठीक। इसी के साथ ही साथ एक रिवर है ऋषि गंगा, यहाँ पे भी हाइडल पावर प्लांट पहले से मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ भी ऋषि गंगा डैम भी है, ये जो प्रोजेक्ट है ये भी यहाँ पे काम ऑलरेडी चल रहा था, पूरा हो चुका था। चित्र की मदद से भी आपको बताएंगे भाई एग्जैक्टली क्या है। तो दो नाम याद रखे हैं, ऋषि गंगा और NTPC का हाइडल प्रोजेक्ट टनल, जो कि धौली गंगा रिवर, और स्थान कौन सा था, तपोवन, ये आपको ध्यान रखना है। बोथ वर डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लूड, दोनों क्या हो गए हैं, फ्लूड के द्वारा, बाढ़ के द्वारा बर्बाद हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ठीक है। यानी हुआ क्या है भाई, कोई कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल गया, जिसकी वजह से बाढ़ आई है, ठीक है। अब ये होता क्या, देखिए हिमस्खलन क्या होता है, जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है, बर्फ जम जाती है, तो बहुत लार्ज एरिया में बर्फ जम जाती है, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे क्या देखने में आ रहा है भाई, जो मेन रीजन बताया जा रहा है हाल फिलहाल अभी, ये मतलब ये तो भाई ग्लोबल वार्मिंग होगी तो मेल्ट करेगी, धीरे धीरे मेल्ट होगी, लेकिन कभी भी इतनी तेजी से मेल्ट नहीं होती है, ठीक है। और ये हिमस्खलन जो हुआ, भूस्खलन जो हुआ, यानी कहा जा रहा है कि पहले भूस्खलन हुआ, मतलब कि नीचे की मिट्टी खिसकी, उस खिसकने की वजह से ये उसके ऊपर जो बर्फ जमी हुई थी वो वहां से मेल्ट करके टूट के गिर पड़ी, जिसकी वजह से अचानक से नदियों में जो नदी थी, कौन सी नदी थी, तो ये थी आपकी ऋषि गंगा, ऋषि गंगा नदी में अचानक से पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण
ये क्या हुआ, बाढ़ की स्थिति आई है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो देखिए क्या है, धौली गंगा रिवर के बारे में जानते थे, धौली गंगा एंड ऋषि गंगा रिवर्स दोनों जो मीट करती है, एक दूसरे से मिलती है कहाँ पे, रैणी, ठीक है, रैणी इसको बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, धौली गंगा ऋषि गंगा रिवर कहाँ पे मिलती है, तो रैणी में मिलती है। साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि धौली गंगा रिवर जो है ये सब्सिडरी है, मतलब कि सहायक नदी है किसकी, अलकनंदा की। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में दे सकता है कि भाई धौली गंगा रिवर जो है कौन सी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो उसमें अलकनंदा दे सकता है, मंदाकिनी दे सकता है, या और भी कोई ऑप्शन आपको दे सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, धौली गंगा किसकी है सहायक नदी, अलकनंदा रिवर की, ठीक है। एंड मीट्स टू अलकनंदा इन विष्णुप्रयाग, और ये क्या होती है, अलकनंदा से मीट करती है, मिलती है कहाँ पे, विष्णुप्रयाग में। ये ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में देव प्रयाग या और भी बहुत सारे पंच प्रयाग होते हैं उनमें से और भी ऑप्शन में दे सकता, तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। एंड इट मर्ज इन टू गंगा, और ये गंगा नदी से कहाँ पे मिलती है, देव प्रयाग में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है भाई, ये धौली गंगा जो रिवर है अलकनंदा से मिलती है विष्णुप्रयाग में, और ये अलकनंदा जब बन जाती है तो ये गंगा नदी से मिलती है कहाँ पे, देव प्रयाग में। तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको कन्फ्यूजन का कारण बन सकता है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसी कोई भी पिक्चर होती है, कोई भी न्यूज इमेज में आती है, तो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं उनसे ही रिलेटेड उनकी जो हिस्ट्री होती है, उस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और ये क्या है भाई, पासिंग, और ये कहाँ से होकर गुजरती है, कश्मीर से होकर गुजरती है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई उत्तराखंड से कश्मीर कहाँ चली गई नदी, तो ये कश्मीर भाई साहब ये प्लेस है, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में भी एक प्लेस है, ठीक है। जैसे एक नाम के दो गांव हो सकते हैं, दो शहर हो सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, ये कश्मीर है, ठीक है। हालांकि ये स्टेट नहीं, राज्य नहीं है, ये उत्तराखंड में एक जगह का नाम है कश्मीर, ठीक है। तो इसको लेके कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक। और भी कुछ पॉइंट जानते हैं, धौली गंगा रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट हो सकती है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भाई धौली गंगा रिवर के वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो धौली गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है, यानी इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो कहाँ पे है, वसुधरा, ये गलत हो गया मुझसे, वसुधरा ताल, हाँ ये थोड़ा अलग अलग होना चाहिए था, इसका नाम है वसुधरा ताल, ठीक है। तो यहाँ से ये निकलती है इस जगह से, ठीक है। और ये वसुधरा ताल जो है इस रीजन का, इस एरिया का सबसे बड़ा हिमनद है, यानी जहाँ सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है, ये स्पेस यहाँ पे आप जान सकते हैं, ये रीजन है वहाँ पे। इट पासेस थ्रू नंदा देवी नेशनल पार्क, और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो नदी है भैया धौली गंगा, ये नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी नेशनल पार्क, धौली गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और ये अलकनंदा से कहाँ मिलती है, विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो ये या किसकी सब्सिडरी है वो भी ध्यान रखना है, कौन सी कंपनी वहाँ पे प्रोजेक्ट बना रही थी, तो NTPC बना रही थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी जगह पे, तपोवन। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, आपको जल्दी आसानी से समझ में आएगा, ठीक। तो देखिए क्या है, तो जैसे कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे सबसे नीचे ब्लू कलर का, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो भाई ये क्या था, यहाँ पे जो ऋषि गंगा दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, यहाँ पे ऋषि गंगा रिवर यहाँ पे है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये फ्लो होती हुई थी, ये ब्लू कलर में जो फ्लो होती हुई ये कहाँ जा रही है, ये गई इस स्थान पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस स्थान पे फ्लैश पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हुआ है कुछ गड़बड़, ठीक है। यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ, जो हिमनद था जो कि बस्ट हुआ है, वो इस जगह पे बस्टिंग हुई है। अब जब बस्टिंग यहाँ पे हुई है तो आगे क्या था भाई, ये प्रोजेक्ट था, यहाँ पे बस्टिंग हुई, भूस्खलन हुआ, ग्लेशियर बस्ट हुआ, तो किस जगह पे हुआ, इस जगह। अब यहाँ से जब पानी का अमाउंट बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, देखिए टिक के सारे आप चलिएगा, यहाँ बढ़ते बढ़ते इस स्थान पे पहुँचा, और इस स्थान पे क्या था, तो इस स्थान पे था ऋषि गंगा हाइड्रल पावर प्लांट, जो इमेज हमने एक न्यूज़पेपर की कटिंग ली है, ठीक है, वहाँ से इसका सोर्स लिया गया है इसको, ठीक है। तो न्यूज़ में बहुत सारी खबरें चल रही, तो उसी के सारे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो रास्ते में क्या, यानी कि ये जो फ्लैश पॉइंट हुआ था, यानी कि जहाँ हिमस्खलन हुआ, भूस्खलन हुआ, ये ऊपर हुआ था, इसके बाद जब ये नीचे खिसका, ये तेज बहाव के साथ कचरा मलवा, ठीक है, और पानी वगैरह नीचे फ्लो किया, कहाँ पे, ऋषि गंगा हाइड्रल प्लांट ये नीचे था, ठीक है। तो ये पहले इसको बर्बाद किया, इसको डैमेज किया, जब इस ये डैमेज हो गया तो भाई इस नदी में, ऋषि गंगा नदी में क्या हुआ, पानी का अमाउंट बढ़ता गया, फ्लड बाढ़ की स्थिति आती गई। अब यहाँ पे एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रैनी विलेज, ठीक है, इस जगह क्या है, रैनी विलेज है,
ठीक है। अब यहां से चलते चलते रैनी विलेज से चलते चलते क्या हुआ भाई, मात्रा बढ़ती गई, इधर से धौली गंगा रिवर आके मिलती है। धौली गंगा रिवर ऊपर से फ्लो होती हुई आ रही है, बहती हुई आ रही है, दोनों यहाँ पे मिली। अब यहाँ पे पानी का अमाउंट और बढ़ने लगा, जब बढ़ते 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 आगे रीजन में फ्लो किया, इस पॉइंट पे पहुंचा। तो ये वो स्थान है जहां पे एनटीपीसी का तपोवन हाइड्रल पावर प्लांट यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो भाई पहले उसने क्या किया, पहले ऋषि गंगा हाइड्रल प्रोजेक्ट को डेवलप खत्म डिस्ट्रॉय कर दिया कंप्लीटली उसने, और फिर क्या किया इसने एनटीपीसी का तपोवन हाइड्रल पावर प्लांट को भी डिस्ट्रॉय किया है यहाँ पे, इसको भी बर्बादी की कगार पे ले आया। तो सारी मेन जो लोगों की हानि हुई है, जो लोगों की मौतें सुनने में आ रही है, तो वो यहाँ पे भी हुई हैं, ऋषि गंगा में भी, और कहाँ पे हुई हैं, यहाँ पे भी, जो एनटीपीसी का प्लांट लग रहा था। तो दोनों जगह पे हिट किया है, डिस्ट्रॉय हुआ है, हानियाँ हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हुई हैं। आप देख रहे हैं उत्तराखंड के बाकी के एरिया जो हैं, तो जब हम यहाँ हरिद्वार में आ जाते हैं थोड़ा प्लेन एरिया आ जाता है, ठीक है। हरिद्वार है, देहरादून है, नैनीताल है, ठीक है, अलग अलग जगह भी स्थित हैं यहाँ पे। तो इस तरह से घटनाएं हुई हैं। तो आपको ध्यान रखना है एनटीपीसी धौली गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ से विष्णुप्रयाग में मिलती है, कौन सी नदी से, किसकी सहायक नदी है, और अलकनंदा से कब मिलती है, ठीक है, गंगा नदी में, देवप्रयाग में मिलती है, कहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। करंट टॉपिक चल रहा है तो इसके बारे में ये ध्यान रखना है, क्या क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई।